आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार बच्चों, यहाँ अपने सामने गद्यांश से पढ़ते हैं वर्तमान हिंदी। कविता की भूमि में आज एक कोलाहल सा छा रहा है। लोग कहते हैं इस कविता के माध्यम से राजनीति साहित्य पर चढ़ी आ रही है, और जिस कला पक्ष में फूलों और फलों की सजावट होनी चाहिए थी, उसमें मजदूरों के गंदे चिथड़े, चिमनियों का धुआं और खेतों की धूल भरती जा रही है। शुद्ध कला के उपासकों को यह चिंता हो रही है कि साहित्य राजनीति के हाथ का रणवाद्य बनता जा रहा है, और उसके प्राणों की कलामयी दीप्ति दिनों दिन क्षीण होती जा रही है। दूसरी ओर एक दल है जो शुद्ध कला की कृतियों को आनंद और पलायन का प्रयास कहकर उसकी हंसी उड़ाता है। उसका विश्वास है कि जब जीवन में संघर्ष की आंधी चल रही हो, पराधीन राष्ट्र स्वतंत्र होने के लिए आंदोलन कर रहे हो, ऐसे समय में कवि का अपनी व्यक्तिगत अनुभूति के मायाबंध में बंधे रहना जीवन के प्रति साहित्य को दायित्वहीनता का प्रमाण है। यह दल चाहता है कि साहित्य अपने कल्याण लोक से उतरकर पृथ्वी पर आए और निष्क्रियता त्याग कर प्रगति के मार्ग पर आरूढ़ हो। वह अपना गद्यांश और इससे संबंधित परिशन है अपना कविता शब्द का वचन बदलिए। देखिए अपना यहाँ पे विकल्प है कविते, कविताएं, कविता या इनमें से कोई नहीं। तो जो कविता शब्द है यह एक वचन शब्द है, और इसका जो बहुवचन होगा वो होगा कविताएं, कविताएं, यह इसका बहुवचन शब्द होगा, बहुवचन शब्द होगा। और यहाँ पे जो कविते है यह भी गलत है, और कविता तो एक वचन शब्द है ही, तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर दो, कविताएं। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।